सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रोहतक में युवक पर फायरिंग, दो बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रोहतक के गद्दीखेड़ी गांव में एक युवक पर गोली चलने का मामला सामने आया है। परिजन मनोज ने बताया कि स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने गोली मारकर सुरेंद्र की हत्या कर दी। अच्छा, हमको तो 10:30-11 बजे के आसपास पता चला था कि मतलब गांव के थे जो आसपास में जो वहां पर थे मौजूद, तो उन्होंने बताया कि भाई तेरे ताऊ का लड़का वहां पे पड़ा, किसी ने गोली मार दी। तो उन्होंने बताया कि स्कूटी पे आए थे दो बंदे, उन्होंने वही मार के गए। रंजिश तो कोई नहीं थी ऐसी जिसकी वजह से किसी को मतलब बोल दे कि मतलब वो था, किसी का नाम भी नहीं ले सकते भी। कौन था, जान पहचान कुछ नहीं? जान पहचान वाला तो वो नहीं थे, वो पता नहीं कौन थे, तो क्या पता वो निकल गए थे वहाँ पे। नहीं, जब तक मतलब उन्होंने मार दिया था, कोई था वहाँ पे पड़ोस वाला बंदा, वो निकल गया तब तक तो वो चले गए थे, निकल गए थे वहाँ। ये ड्राइविंग करता था। वही पुलिस ने कहा कि वो मामले की जांच में जुट गए हैं और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूचना ये मिली थी जी पुलिस कंट्रोल रूम से, ताजा माजरा गद्दीखेड़ी में दो अज्ञात युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। मौका पर पहुंचे, हालात देखे। मनोज मृतक सुरेंद्र का चाचा का लड़का था, वो मिला मौका पर, काफी आदमी मिले, उसने दरखास्त पेश की, दरखास्त पर अपन मुनासिब कार्रवाई कर दी। अज्ञात व्यक्ति हैं, उनके बारे में गहनता से मतलब वो हर एक दृष्टिकोण से जांच की जा रही है, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक कोई कांड सामने नहीं आया जी, हर एक दृष्टिकोण से सोचा जा रहा है, अभी जांच जारी है। ऐसा जी, अब तक की जांच से मालूम हुआ है स्कूटी पाए थे दो नवयुवक थे, और कट्टा से, देसी कट्टा से या पिस्तौल से बाई तरफ सिर में गोली मारी है नजदीक से। कार्रवाई अपन कत्ल का पर्चा दर्ज कर दिया है जी, इसका पोस्टमार्टम का डेड बॉडीज के हवाले करेंगे। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे, वजह रंजिश या और कोई भी जो भी जांच में चीज सामने आती है, हर एक तरह से जांच की जाकर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।